Good evening all and welcome to today's session. So here in today's session, so firstly, before I begin, I would like to introduce myself. I'm Shayantina Malik Chaudhary from Stockage Research, Fundamental Research Desk. And in today's session, we'll try to understand the features under premium analytics segment. Then we'll focus on edge insights, followed by SME zone and mutual fund. And then we will also learn about how to post our queries on the social platform, right? So this is what is today's agenda. And one quick disclaimer, since this session is all about learning and understanding how to use the features, so we won't be focusing on any stock specific queries, right? So let's begin. So सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रीमियम एनालिटिक्स सेगमेंट के अंडर में इन्वेस्टमेंट आइडियाज क्या है. सो लेट्स क्लिक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो जब आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज में क्लिक करेंगे, हियर आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिलेगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये स्टॉक्स किस बेसिस पे अरेंज्ड है या किस बेसिस पे सिलेक्टेड है. सो दिस इज बेस्ड ऑन स्वो मोटो बेसिस डिसाइडेड बाय आर इंटरनल रिसर्च टीम, राइट? जो रिसर्च टीम को लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा, सो वी पिक दो स्टॉक्स एंड क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बेस्ड ऑन बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड वी प्रोवाइडेड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. नाउ द पॉइंट कम्स कि इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब कितना टाइम होराइजन है. सो हियर वी से कि मोर देन एनीथिंग बियॉन्ड 3 इयर्स, राइट? सो ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए नहीं है. सो जैसे यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे, आपको लिखेगा केस स्टडी, उसके नीचे एक रेड कलर का पीडीएफ आइकन. इफ आई क्लिक ऑन दैट आइकन, आपको यहाँ पे मिलेगा अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज केनार कंस्ट्रक्शंस का थोड़ा बहुत हाइलाइट्स, ये स्पाइडर चार्ट, एज मीटर स्कोर, एज स्कोर मीट स्कोर एंड व्यू रिपोर्ट. सो वन बाय वन ईच एक को समझते हैं. तो सबसे पहले हम रिपोर्ट को क्लिक करेंगे एंड हियर वील गेट द एंटायर पीडीएफ रिपोर्ट. एक के बाद एक जाएंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट द कंपनी कि केनार कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस मॉडल यहाँ से हमें पता चलता है, उसका रेवेन्यू मिक्स कैसा है, राइट? उसके बाद पैरामीटर्स आते हैं. द फर्स्ट इज ग्रोथ पैरामीटर, जिसके अंडर में हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ, राइट? एंड फिर आता है यहाँ पे ग्रोथ एज मीटर. नाउ यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पॉज करके समझने का कोशिश करते हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज हमने ये जो तीन पैरामीटर्स अभी मैंने आपको शो किया है, दैट इज सेल्स, एबिटा एंड पैट, द रिसर्च एनालिस्ट हैज स्टडीड बोथ द लाइक ऑल द पैरामीटर्स, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड कीपिंग ऑल दिस इन व्यू she or she has given a score of 3 out of 5. मतलब रिसर्च एनालिस्ट को लगा एनालिसिस करने के बाद कि केनार कंस्ट्रक्शन का जो ग्रोथ है, अगर हमको 5 में स्कोरिंग देना होता तो हम उसको 3 देते, राइट? सो दिस इज हाउ ही और शी स्कोर्स इट. फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में सर्टेन पैरामीटर्स है, देन एफिशिएंसी में हम लोग सब चेक करते हैं, असेट टर्न, FCF, debt, solvency के अंदर we check the solvency, that is the debt and the interest coverage, उसका liquidity कैसा है, and then the valuation part. Now valuation part में हम यहाँ देखते हैं कि internal valuation के basis पे एक zone identify होता है. Now here as per the analyst after doing the internal valuation, he or she feels that the zone of 200 to 220 acts as a strong base for accumulation, and on the upside if it breaches 345 to 360 then there is again another further uptrend. ab main isko kyun show kar rahi hu, ab aap yahan dekhenge, agar main ye edge score ko click karti hu, sorry, main prints by book. सो मुझे यहाँ दिखेगा कि ये दो बैंड्स दिया हुआ है, राइट? द ग्रीन बैंड एंड द रेड बैंड. सो आई टेक टू द रिपोर्ट, दिस इज नथिंग, जो यहाँ पे जोन दिया गया है द सेम थिंग गेट्स कैप्चर्ड हियर. द लोअर बैंड
द ग्रीन बैंड जो जो लो जोन दिया गया था दैट इज 200 टू 220 एंड द अपसाइड द रेड वन इज 360 टू 345 राइट क्लियर टिल हियर ओके सो सिंस इट इज अबाउट फंडामेंटल सो हियर वी विल ओनली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इंट्रा डे के लिए टेक्निकल का जब सेशन होगा यू कैन आस्क पुट फॉरवर्ड योर क्वेरी देयर नो इट्स नॉट इंस्टीट्यूशनल बाय योर सेल एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर कि जब हम लोग इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किए आफ्टर डूइंग इंटरनल वैल्युएशन राइट दे आर वेरियस वैल्युएशन मेथड्स आफ्टर डूइंग दैट द एनालिस्ट हैज कम अप द टीम हैज कम अप विद द जोन ऑफ से 200 टू 220 एज द बेस जहां पे स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन लगता है दैट इज जब भी इस जोन पे आप कंपनी का प्राइस आए सो यू कैन एड स्टार्ट एडिंग इट टू योर पोर्टफोलियो एंड वेन एवर इट कम्स हियर इन द रेड जोन सो यू गॉट टू बी लिटिल कॉशियस आप देखेंगे कि ये रेड जोन को क्रॉस किया बट सस्टेन नहीं कर पाया अगेन इट केम बैक टू द रेड जोन राइट सो दिस इज वॉट इट सेज कि वेन एवर इट कम्स टू द रेड जोन यू गॉट टू बी लिटिल कॉशियस एंड अकॉर्डिंगली कीपिंग इन व्यू योर रिस्क एपेटाइट आप इसको एज अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में राइट या जोन्स आर एज पर वैल्युएशन रेड डजंट ग्रीन इज लाइक एक्यूमुलेशन बट रेड डजंट मीन्स एग्जिट बिकॉज सिंस दीज आर फॉर ऑल फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज हियर यू बी अ लिटिल कॉशियस आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली अपना पार्शियल एग्जिट ले सकते हैं बट सिंस दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन इज द थीम सो यू कैन यू हैव लाइक यू गॉट टू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम टू सी द मीनिंगफुल रिटर्न ऑल राइट ओके सो दिस इज वॉट इज द लेवल्स लाइक राइट नाउ यहाँ पे हमने फिर से देखा कि ये सारे जितने भी फिर क्वालिटी वाइज भी हम कंपनी को चेक करते जैसे इसका मैनेजमेंट कैसा है कोई रिसेंट चेंजेस आया है कि नहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है उसमें प्लेजेस है या नहीं राइट सेक्टोरल पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड फ्यूचर आउटलुक और उसको ये एंटायर थिंग को स्टडी करने के बाद वी कम टू अ टोटल स्कोर राइट तो जितने भी पैरामीटर्स है जैसे ग्रोथ हुआ प्रॉफिटेबिलिटी हुआ एफिशियंसी हुआ solvency, valuation and quality, summing these up, we come to a total score of 20 out of 30, right? So, here we are given KNR construction 20 and we feel that anything above 20 and above is a good investable idea, right? So, this 20 gets captured in this spider matrix. So, you see, ग्रोथ को हमने 4 दिया है प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी यह ग्रोथ को 3 प्रॉफिटेबिलिटी 4 एफिशिएंसी 3 सॉल्वेंसी वैल्यूएशन ऐसे करके एंड द टोटल स्कोर स्टैंड्स एट 20 आउट ऑफ 30 सो क्लियर टिल हियर आई पॉज फॉर अ सेकेंड और टू अबव 20 या द स्कोर टोटल स्कोर ओके सो ये हो गया आपका जोन ये आपका स्पाइडर चार्ट हो गया कहां से ये स्कोर आ रहा है वो भी हम देख लिए हैं नाउ दी गैप नाउ व्हाट इज दी गैप सो आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे आई हैव शोन यू हियर दैट नाउ द कंपनी लाइक द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग नियर द अपर बैंड सो व्हेनेवर द स्टॉक प्राइस लाइक ट्रेड्स नियर द अपर बैंड हियर यू विल सी दैट द प्राइस is depicted in red, right? And जैसे अगर हम Prince Pipe के केस में देखेंगे जैसे 670 green में show कर रहे हैं why? Because the stock price is trading near the green zone, right? And what is this gap? This is nothing. जो red zone है उसका और last traded price का जो gap है वो 0.16 depict करता है. Clear? So what is this gap? This gap is the difference between the key level and the last traded price. And how this list gets formed? Like top mein kaun sa company aata hai jiska sabse lowest gap hota hai? Be on the upside or the on the lower side. Got it? Clear till here?
Any questions or shall I move forward? I'll wait for a second or so, then I'll move forward. It's about gap. So the gap is nothing. Whenever, like, again, it shows you कि अगर आपको से suppose किसी stock में accumulate करना है, से suppose Prince Pipe में आपने study किया and आप wait कर रहे हैं कि कब वो level आएगा, right? So ये gap जितना diminish करेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके key level के पास वो company का stock चला आया है, right? This is what the gap shows. All right? No, there is no, as Mallikarjun sir, there is no as such thing that the max gap is the price to enter and what is the good gap, nothing like that. It depends, since I'm again repeating, these are all for long-term purpose. And so here the gap is, agar aapko upar, say suppose I have made investment in KNR Constructions or I'm willing to make investment in Prince Pipes, right? So what I'll do is, जब ये green के पास आएगा, I know कि अब ये मेरा green zone के पास आ गया है and I'm comfortable in entering this particular company, right? So this is what the gap talks about. Sorry sir, लेकिन there is demand for both English and Hindi, so I'll keep a mix of both. Okay. So this is what I'll again explain. This 345 is nothing but what we have shown here, what I've shown here, just a second. So if you go to the graph, this is the gap and the company's stock price is currently trading here, which is shown in the red, ki ye red zone ke paas aa gaya hai and the gap has minimized. So you got to be a little cautious or and accordingly take the stance, right? Okay. Chitu sir, I'll try to explain it once again. Okay? And sir, I have repeated once again. I'll repeat once again. I can't make any company specific answer or make any company specific comment here. For that, please post your query on the social platform. ठीक है, सो हम लोग फिर से एक बार ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग लाइक विल मूव फॉरवर्ड, राइट? सो हम प्रीमियम एनालिटिक्स सेगमेंट के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है, विच इज इन्वेस्टमेंट आइडियाज. नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट आइडियाज? एज द नेम सजेस्ट, इट टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक्स हमारे इंटरनल रिसर्च टीम, दे डू अ रिसर्च एंड दे कम अप विद दिस लिस्ट ऑफ स्टॉक्स. Right, they prepare a comprehensive report analyzing both the qualitative as well as the quantitative factors of a company. ठीक है, so यहाँ पे आज हम लोग KNR Constructions का example लेंगे. तो जैसे आप ये investment ideas देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक file attached मिलेगा. आप इसको open करेंगे तो आपको ये edge report के segment में इसको direct करेगा. यहाँ अगेन आई टेल वन थिंग कि ये सारे जितने भी रिपोर्ट्स हैं सारे क्वार्टरली बेसिस पे अपडेटेड हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे ये पहले आपको थोड़ा बहुत कंपनी के हाइलाइट्स के बारे में बताएगा एंड देन हियर आप यू गेट टू सी द स्पाइडर चार्ट, जहाँ पे जो कंपनीज का जो वेरियस पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे उसको स्कोरिंग दिया गया है. नाउ द हाइएस्ट स्कोर इज 5 एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे वेरियस स्कोर्स दिया गया है. When we'll jump to the view report, right? यहाँ पे report में हम देखेंगे पहले we talk about the company, जहाँ पे उसके business model के बारे में explain है. You get to understand what is the business model like, the inception and etc. Then we talk about the various revenue mix. फिर आता है analysis of various parameters. Now the first parameter is growth, under which we like discuss 3 major growth parameters. That is sales, उसके बाद EBITDA and PAT. अब the point comes कि यहाँ पे हमने analyst ने इसको both past, present and future को study किया है and study करके we feel that growth should be given a meter score of 3 out of 5, right? Clear till here?
ऐसे करके वेरियस पैरामीटर्स है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी। नाउ कम्स द वैल्यूएशन पार्ट। अब द रिसर्च एनालिस्ट इंटरनली कंपनी को वैल्यू करता है यूजिंग वेरियस मॉडल्स, राइट? एंड इन दिस केस ही और शी फील्स दैट बॉटम में अगर 200 या 220 का जब लेवल बनेगा, सो इट इज गुड टू एक्यूमुलेट, राइट? एंड व्हेनेवर ऑन द टॉप देयर इज अ लेवल ऑफ 345, 360, यू गॉट टू बी लिटिल कॉशियस। अगर ये ऊपर में ये लेवल टूटता है एंड वो सस्टेन करता है, फिर ऊपर का नेक्स्ट अपट्रेंड बनेगा। क्लियर टिल हियर? वेरियस पैरामीटर्स को हम लोग ने जज किया क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाइज, एंड हम अराइव करते हैं टोटल स्कोर पे। यहाँ पे 20 इज द टोटल स्कोर आउट ऑफ 30। नाउ वी से कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज अबव 20 हो तो वो इन्वेस्टेबल होता है। एंड व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टेबल, इट हैज टू बी मोर देन मिनिमम 2 to 3 years, राइट? सो दिस इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट। नाउ वील टॉक अबाउट, यहाँ पे स्पाइडर चार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ व्हाट इज दिस रेड? व्हेनेवर द कंपनीज प्राइस इज ट्रेडिंग नियर द अपर बैंड, तो वो आपको ये रेड में डिपिक्ट करेगा। एंड जब वो लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है तो ये ग्रीन में शो करेगा। एंड व्हाट इज गैप? गैप इज नथिंग, जो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, से इस केस में 345.55, एंड हमने लेवल दिया है टॉप का 345। सो लोअर द गैप, चाहे वो ऊपर के लेवल का हो या नीचे का लेवल का हो, वो वाला कंपनी इस लिस्ट के टॉप में आ जाता है, करेक्ट? ऑल दीज रिपोर्ट्स आर अपडेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है? ऑल राइट, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब ये है एक पर्टिकुलर एज रिपोर्ट, दैट इज केस स्टडी। नाउ वी विल सी व्हाट अदर ऑल अदर केस एज रिपोर्ट्स दैट आर पब्लिश्ड बाय आर रिसर्च टीम, राइट? सो हियर वी विल सी व्हाट ऑल अदर रिपोर्ट्स आर देयर। सो द मोमेंट वी गो एंड क्लिक ऑन द एज रिपोर्ट सेगमेंट, वी गेट हियर एन ऑल टैब, राइट? इफ यू क्लिक देयर, आपको ये एंटायर लिस्ट मिलेगा। नाउ सिंस टुडेज टॉपिक इज स्क्यूड टुवर्ड्स फंडामेंटल, सो वी वॉन्ट टॉक अबाउट स्टॉक्स टू वॉच, विच इज प्राइमरली पर्टेन्स टू टेक्निकल एनालिसिस। सो केस स्टडी आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन, नाउ लेट्स मूव टू कॉन कॉल एनालिसिस। अगेन ये हर क्वार्टर होता है। नाउ वॉट इज कॉन कॉल एनालिसिस, लेट्स अंडरस्टैंड। सो एवरी क्वार्टर द कंपनी they announce their earnings and they interact with the analyst team where they discuss the performance of the company of that particular quarter, and also the analysts get a chance to highlight the opportunities and concerns and ask questions about the company's future line of growth, and if there are any concern they highlight that. So it's like a interaction between the analyst community and the company, where you get to know a lot about the company's happenings and also about the sector's happening, right? So ये क्या होता है, ये throughout the earnings season होता है, it's near about bare minimum 1 hour long, and sometimes it stretches to 1.5 to 2 hours, and जब transcript आने में भी time लगता है। So what happens, the investors tend to miss the major points of a particular company. So what we do is we listen to the con calls, and then we prepare a comprehensive report on the same. In the sense, we summarize the same so that all the major pointers are highlighted and the in a very comprehensive manner. And accordingly, we can make our investment bet. So let's hop into this. So जैसे ही आप इसमें जाएंगे, आपको सबसे पहले मिलेगा थोड़ा बहुत कि इस क्वार्टर में EIH लिमिटेड का कैसा रहा, अ लिटिल बिट अबाउट इट। फिर यहाँ पे ये AI जनरेटेड एक सेंटीमीटर है, दिस इज प्योरली AI जनरेटेड, सो यहाँ पे ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दी रिपोर्ट, सो यू गेट टू सी EIH लिमिटेड का थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हाईलाइट्स, उसके बाद बिजनेस हाईलाइट्स, परफॉर्मेंस कैसा रहा है ड्यूरिंग दी क्वार्टर भी डिस्कस्ड है, रिसेंट अपडेट्स एंड फ्यूचर आउटलुक अलॉन्ग विथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स। सो आपको 18 पेजेस को नहीं पढ़ना पड़ा, ना ही 1-1.5 घंटे का कॉल अटेंड करना पड़ा, बट यू गेट द मेजर पॉइंटर्स हाईलाइटेड
in our concall report. Correct? I'll just see if there are few questions. अच्छा मैं हिंदी में बोलती हूँ, ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रखती हूँ, सो दैट इट्स कन्वीनियंट फॉर ऑल, राइट? सो एज रिपोर्ट्स क्लियर है या आप चाहते हैं कि मैं उसको और एक बार एक्सप्लेन करूं? इफ नॉट देन आई मूव फॉरवर्ड. एंड जितेंद्र जी, मैं थोड़ी देर बाद में आपको समझाती हूँ कि ये स्पाइडर चार्ट के बारे में, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम लोग गए कॉन कॉल एवरी क्वार्टर. द कंपनी एनालिस्ट टीम के साथ दे इंटरैक्ट, और उसके बाद दे कम अप लाइक, उसके बाद वी गेट टू सी कि कंपनी कैसे, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, या उसने परफॉर्म इस क्वार्टर कैसा किया है, गोइंग फॉरवर्ड कैसा रहेगा. फिर एनालिस्ट लोग भी क्वेश्चन करते हैं कंपनी के अपॉर्चुनिटीज एंड कंसर्न एरियाज के ऊपर. एंड द सेम थिंग वॉट वी डू इज वी कैप्चर हियर, राइट? और उसके बेसिस पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हैं. सो यूजुअली जो ट्रांसक्रिप्ट आता है कॉन कॉल का, दैट इज लाइक मिनिमम 15-18 पेजर लॉन्ग, एंड उसमें हर पॉइंट इतना मतलब मीनिंगफुल नहीं होता है. सो व्हाट वी डू इज वी कैप्चर द मेजर पॉइंटर्स एंड वी हाईलाइट हियर, ताकि आपके लिए वो ईजी हो जाए एंड आप मेजर पॉइंटर्स को पढ़ के समझे कि इस क्वार्टर या इस कॉन कॉल में कंपनी ने क्या बोलना चाहा एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड कंसर्न एरियाज, राइट? ओके, नो एज रिपोर्ट, दिस इज आई मीन इफ यू टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट आइडियाज, दे आर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, राइट? एंड इफ इट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन कॉल डजंट गिव यू एनी, इट जस्ट हाईलाइट्स व्हाट हैज हैपेंड इन द पर्टिकुलर कंपनी इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, राइट? So it doesn't talk about like whether you should invest or not to invest. I'm talking about the con call report. Okay, now we are done with con call analysis. Ab hum log focus karte hain IPO notes pe. Now hume pata hai that most of the companies when they come up with IPOs, so kya hota hai, we either have to go through the DRHP, which is pretty long and complicated. एंड या तो हमें वेरियस लाइक गूगल से या किसी और ऑनलाइन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, राइट? सो इट बिकम्स टीडियस एंड इट ऑल्सो लाइक समटाइम्स वी डोंट गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन द सेम, प्लस हमें टाइम लाइन्स जानना रहता है. सो वॉट वी हैव डन इज वी हैव प्रिपेयर्ड एन IPO नोट. सो इफ यू क्लिक हियर, फर्स्ट हियर इट से सपोज वी हैव टेकन हियर Allied Blenders and Distillers, right? So first it talks about the company, a little bit about the company, what is it into, and then India, it's into mainly into India made foreign liquor. And then here is the, now this is not AI generated, this is talks about what we feel about this particular IPO. Here we feel that this particular IPO is average. Now let's hop into the report. So agar hum log report mein jayenge, so sabse pehle ओवरव्यू रहेगा कि इस कंपनी किस में है, क्या करती है, थोड़ा बहुत उसका फाइनेंशियल हाइलाइट्स, इशू साइज, इशू डिटेल्स भी है. फिर अगेन डिटेल अबाउट द कंपनी कि इसका रेवेन्यू मिक्स क्या है, कौन से ज्योग्राफी को वो केटर करती है, उसका लाइक कैटेगरी कौन कौन से प्रोडक्ट्स में है. सो यू गेट टू सी यहाँ पे सेक्टर आउटलुक है. देन ये दिस कंपनी इन पैलेंस टू दी कॉम्पिटिटर्स, और कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं और उसके लाइक कंपेरिजन में ये कैसे प्लेस्ड है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? देन अगेन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, प्रोमोटर्स इसके कैसे हैं, एंड आफ्टर द IPO उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है. वॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, दैट मीन्स जो प्रोसीड्स आएगा IPO से, how the company is looking to utilize it, right? आपको यहाँ पे वो डिटेल्ड है. अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या IPO में हम जाते हैं, अप्लाई करते हैं, सो वॉट आर द रिस्क फैक्टर्स दैट आई शुड लुक इन टू, दैट इज ऑल्सो डिटेल्ड आउट हियर, एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट? उसके बाद वी प्रोवाइड अ स्मॉल स्वॉट स्टेटिंग वॉट इज द threats, or sorry, the strength, opportunities, threats and weakness of this particular company.
सो आप इसको यहाँ से स्टडी करके एंड अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्टमेंट बेट ले सकते हैं, वेदर यू शुड अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट. एंड देन हियर यू गेट द एंटायर टाइमलाइन कि इश्यू ओपन कब हो रहा है एंड आईपीओ का लिस्टिंग डेट कब है. द एंटायर थिंग इन वन रिपोर्ट विच मेक्स योर वर्क वे इजियर, राइट? ओके. वेट शिवा सर, यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव लाइक इन विच कंप लाइक विच रिपोर्ट? Okay, so this was about IPO note, right? I'll just see a second. So if it's about the IPO, then IPO में वो लिखा रहता है, जैसे आप SWOT में then it's written there under weakness and again under threats and plus a risk is already there. So you can understand from there. And if it pertains to case study, अगर case study में कोई negative रहता है, so the analyst highlights that clearly. Now let's go to infographics. Now infographics is a combination जहाँ पे आपको technicals infographic भी मिलेंगे and आपको fundamental infographic भी मिलेगा. So here we will for now I'll focus on the fundamental. So on 20th June आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक आया है अबाउट ऑन टॉप 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद हाई कासा, दैट इज करंट एसेट करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो, राइट? सो अगर हम इसको ओपन करेंगे सो हमें यहाँ पे मिलेगा कि कासा रेशियो किसमें सबसे ज्यादा है. सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीड्स द लिस्ट विद 52.7%, राइट? सो वेरियस अदर आपको इन्फोग्राफिक्स में मिलेगा. नो एवरी आईपीओ नोट इज नॉट अवेलेबल, ओनली सिलेक्टेड वेर वी फील लाइक इट नीड्स, इट्स लाइक वर्थ अप्लाइंग. एंड एसएमई आईपीओज आर नॉट ऑल्सो नॉट कवर्ड बिकॉज अगेन एसएमई आईपीओज आर लिटिल बिट रिस्कियर, सो वी डोंट कवर ऑल द आईपीओज. बट स्टिल इफ यू वॉन्ट any like any idea or on guidance on any IPO, please put forward your query on the fundamental club in the social platform, right? And our analyst will guide you accordingly. Aditi ma'am, what is your question? If there is a negative change in a company's fundamental after initial, okay, so again as I say it is updated every quarter, right? And if there is a negative say negative happening in any company, right, so you are free to ask question on in the fundamental club on the social platform. Since there is a report, investment initial investment idea report, what I'm supposed to do now, and we will guide you accordingly. All right, hope that answers your query. Okay. Just a second, I'll just see. All right. So let's move forward. So we are done with investment ideas. We are done with edge reports. Now let's focus on something very interesting, that is company filings. All right. So what is company filings? Companies are like, it is mandatory for all companies to like report whatever is happening, like anything that is happening within the company, to report it on the exchanges where it is listed, right? So chahe wo acquisition related ho, ya company koi board meeting rakh raha ho, ya koi corporate action la raha ho, koi capex la raha ho, so it has to be informed to the exchanges. So that the analyst or the investors can make their investment or trading ideas accordingly, and also to maintain transparency, right? So what happens is there are many, like agar aap kisi bhi company ke individual NSE or BSE filings mein jaenge to aapko bahut sara filings milega, right? And so it becomes samajh mein nahi aata hai. So to make the work easy, what we have done is
we have segregated various company filings under certain headings, like say acquisition hai, annual general meeting hai, bonus hai, board meeting hai, and we have presented in a very sorted manner. Right. से सपोज अगर मुझे जानना है कि एक्विजिशन रिलेटेड कौन कौन से कंपनीज में क्या हुआ है, आई सिंपली गो एंड क्लिक हियर एंड डेट वाइज, लेटेस्ट डेट वाइज आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे. राइट. एंड द फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट मेजेस्टिक ऑटो में एक्विजिशन रिलेटेड कुछ हुआ है. वॉट, लेट्स सी इन द पीडीएफ. विल क्लिक ऑन द पीडीएफ आइकॉन विच इज अटैच्ड हियर एंड इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दैट कंपनी फाइल. राइट. सो यहाँ पे देखेंगे कि उस कुछ परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर डेवलपमेंट, उसने कोई प्रॉपर्टी लिया है फॉर डेवलपमेंट के लिए लाइक 105 crores का. सो आपको मिल जाएगा. सो इससे क्या हुआ, आपको मेजेस्टिक ऑटो के कंपनी मतलब इंडिविजुअल कंपनी के इसमें फाइलिंग नहीं जाना पड़ा, आपको यहाँ से उसका डिटेलिंग मिल गया. सिमिलरली इफ आई गो टू से बोनस एंड आई क्लिक हियर, सो बोनस रिलेटेड मेरे को सारे डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगे, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का. एंड इफ आई क्लिक ऑन द आई पीडीएफ, सो मुझे यहाँ पे उसके बोनस के डिटेलिंग्स मिल जाएंगे. राइट. रेशियो क्या है, व्हाट नॉट, व्हाट इज इट, सो यू गेट एंटायर डिटेल्स. नाउ से सपोज मुझे इतना फाइलिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल दी फाइलिंग्स, आई वॉन्ट सिलेक्टेड, आई एम फोकसिंग ऑन सिलेक्टेड फाइलिंग्स. सो हम क्या करेंगे, से सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन बोनस, आई क्लिक ऑन द स्टार हियर, स्टार मार्क करेंगे एंड ऊपर में आ जाएगा बोनस एडेड टू माई कंपनी फाइलिंग्स. से सपोज अगेन आई क्लिक ऑन बाय बाय, अगेन ये आएगा इट इज एडेड टू माई कंपनी फाइलिंग्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि माई कंपनी फाइलिंग्स फिर है कहाँ. राइट. सो हम लोग फोकस करेंगे ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, आप देखेंगे इक्विटीज है, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स है एंड देन इज माई स्टॉकेज. सिंपली क्लिक ऑन दैट. राइट. एंड हियर अंडर माई डेटा यू गेट दिस ब्लू कलर माइक सिंबल विच टॉक्स अबाउट माई कंपनी फाइलिंग्स. क्लिक ऑन दैट एंड यू गेट टू सी ऑल दी वंस विच आई हैड स्टार मार्क. सो मैंने जिस जिसको सिर्फ सिलेक्ट किया है वही क्यूरेटेड लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है. अगर मुझे किसी में अब सपोज इंटरेस्ट नहीं है एनुअल रिपोर्ट और मुझे नहीं जानना है, आई सिंपली क्रॉस इट आउट एंड रिमूव इट फ्रॉम माई लिस्ट. अगेन इफ आई वॉन्ट टू एड एनी कैटेगरी, हम यहाँ से एड करेंगे से एनुअल रिपोर्ट. सी इट गेट्स एडेड हियर. राइट. एंड अगर हम फाइलिंग्स में जाएंगे तो जितना भी मैंने कैटेगरीज में सिलेक्ट किया है उस रिलेटेड सारा फाइलिंग्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑन द लेटेस्ट डेट बेसिस. राइट. ठीक है, सी फ्यू क्वेश्चंस. सेक्टर रोटेशन वोंट बी कवर्ड इन टुडेज सेशन. राइट. या व्हाई फ्यू आर येलो, सर आई थिंक आई हैव टोल्ड यू व्हाई दिस इज येलो, सो सो दैट यू कैन गेट अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ योर ओन कंपनी फाइल्स. राइट. ओके. अब क्वेश्चन आता है, दिस वॉज फॉर ऑल कंपनी बेसिस. नाउ से सपोज आई एम इंटरेस्टेड ओनली टू नो कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट की हूं उसमें कोई उसमें कहां से हमको कंपनी फाइलिंग्स मिलेगा. राइट. से सपोज आई टाइप ब्रिटानिया. राइट. आई टाइप ब्रिटानिया क्योंकि मुझे जानना है, आई एम इन्वेस्टेड इन ब्रिटानिया, मुझे जानना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या क्या अपडेट्स आया है. सो आई गो टू दिस, इट्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एंड आप देखेंगे डिलीवरीज और एज रिपोर्ट के जस्ट बीच में, इन बिटवीन दैट यू गेट दिस अपडेट्स सेगमेंट. राइट. क्लिक ऑन दैट एंड आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट सेगमेंट मिलेगा. क्लिक ऑन दैट. राइट. यू गेट टू सी ऑल द फाइलिंग्स विच द कंपनी हैज मेड टिल डेट. राइट. लास्ट अपडेट आया था थर्सडे 28 जून को, इट इज लिस्टेड आउट हियर. बीट एनीथिंग. नाउ से सपोज आई वॉन्ट टू कट डाउन द नॉइज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो थ्रू सो मेनी फाइलिंग्स, वॉट आई डू इज हियर यू गेट अ फनल ऑप्शन और अ फिल्टर ऑप्शन. क्लिक ऑन दैट एंड यू गेट टू सी द सेम लिस्ट, जो आपने कंपनी फाइलिंग्स में जो लिस्ट देखा था वो सेम लिस्ट. एंड हम क्या करेंगे, से सपोज मुझे जानना है
इसका एनुअल रिपोर्ट आया है कि नहीं, सिंपल। मैं इसमें क्लिक करूंगी और मैं देखूंगी कि नहीं अभी तक नहीं आया है, लास्ट एनुअल रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 को आया था, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक ऑन इंडिविजुअल बेसिस आर कंपनीज कंपनी फाइल्स, इट्स ऑल फाइल्स, राइट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन इन। ओके, देयर इज एनी क्वेश्चन? आई विल जस्ट सी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सर, कैपिटल रिडक्शन या कुछ? हियर अगेन आई एम सेइंग कि हियर वी विल जस्ट टॉक अबाउट द फीचर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, प्लीज आप उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे ये करें। वेयर टू फाइंड मंडे क्लास? वी विल, आई विल शो यू टू वेयर यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ठीक है। या so now we are done with the edge reports, investment idea, company filing. Let's focus on investment themes. So investment theme is nothing, we identify certain narratives, right, and those narrative gives like traction to certain industry and the stocks within that particular industry. So what we do is we identify those narratives and we prepare themes on them, and then we collect a list of stocks that stands to benefit out of those and we present to you. Say suppose agar jaise ki bahut acha ek narrative hai green hydrogen which is gaining pace, so here we will click on that. So jab aap pehle click karoge to aapko dekhne ko milega a little bit introduction about it, types of hydrogen use क्या है, government initiatives क्या है and इसके challenges क्या है, so आपको पूरा पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा. Then you go to the stocks list. Here you get to see a list of stocks that stands to benefit from this green hydrogen theme. अगर जैसे यहाँ first is Reliance Industries, यहाँ पे read more में option में हम जाएंगे where it talks about relationship between Reliance Industries and green hydrogen. थोड़ा बहुत इसका डिस्क्रिप्शन एंड ग्रीन हाइड्रोजन में अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है तो उसका इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कैसा होगा, एंड वी गेट टू सी दैट द इम्पैक्ट हियर इज पॉजिटिव. दैट मींस ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जैसे ट्रैक्शन गेन करेगा वैसे वैसे रिलायंस इंडस्ट्री को भी फायदा हो, राइट. यस, यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल क्लासेस, आई विल शो वेट from where you can get the recordings. So this is how you can understand the various themes. Now agar aapko janna hai ki iske under mein jitne bhi stocks hain uska performance kaisa raha hai, so simply click here, aapko you get the time toggle. So aap agar say last 6 months mein aap dekhna chahenge ki kaisa raha hai, so you get to see this particular theme has given a decent set of return, and same with 1 year, right. Let's go to check another, say suppose wedding is a very good theme. So uske under mein jo stocks hai jaise Titan company and Metro Brands, so jab wedding season mein like you know there will be a traction in the wedding season, so these companies tends to gain or tends to benefit from the same. यार आप देखेंगे इसका रिटर्न्स. सो अकॉर्डिंगली आप अपना, अगर किसी से सपोज आई एम नॉट अवेयर कि कौन कौन से, आई एम जस्ट अवेयर कि ग्रीन हाइड्रोजन इज गेनिंग पेस एंड आई जस्ट वांट टू सी और वांट टू इन्वेस्ट ऑन दोज पर्टिकुलर स्टॉक, सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ से सिंपली ग्रीन हाइड्रोजन में जाऊंगी एंड आई विल गेट टू सी दिस स्टॉक्स एंड उसके ऊपर मैं स्टडी करके अपना इन्वेस्टमेंट बेट ले सकती हूँ, राइट. सर, फिबोनाची रिट्रेसिंग इज पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, राइट. सो मोर ऑर लेस ऑल द थीम्स आर फैंटास्टिक, दैट्स व्हाई इट इज लाइक मेड पार्ट ऑफ द थीम्स, सो यू कैन चेक वन बाय वन और यू कैन आस्क द टीम टू सजेस्ट यू द सेम.
So again, I'll say if you want to select stock based on theme, it has to be both the ways and like both how the particular theme is performing and also what is the fundamental aspect of that particular company in parlance to that theme. Say suppose there is a company which I'm taking example of green hydrogen. There are two company, company A, company B. Both has green, is into like stands to benefit from the same. But A derives 10% of its revenue from green hydrogen and B derives 2% or one negligible percent from green hydrogen. So B won't be making sense. So you need to study all those factors before making any investment. I'll show where, sir, from where you can get today's recording. All right. So ye theme ho gaya. Now let's focus on investor portfolio. Now what is investor portfolio? So yahan pe both individual and institutional investors ke portfolios hain. Now what is it? All the ace investors, both on individual as well as on institutional basis. We try, what we do is we present their entire holdings and we also show in which particular sector they have their highest allocation and where they have their lowest. And what happens is we some tend to clone their idea to generate return. B, whenever an ace investor, be at individual level or investor level, enters or exit a particular company, there is an impact on the stock price. So to capture that and to understand that, what we have done is we have created a list of the investor portfolio where you get the list of all ace investors and you can study their portfolio to understand where they are entering and exiting, right? So the first is here, Rakesh Jhunjhunwala and Associates. The total number of holdings is 26 with an estimated holding of 46,000 crore. So if I hop into this particular page, the first thing you get to see the estimated holding amount, the number of companies where he is invested and the again, the highest shareholding kahan pe in which company and recent change kahan pe hua hai. And the best part here is the sector allocation and the market capitalization allocation. So aap dekh sakte hain ki is particular ace investor ka maximum portfolio is skewed towards diamond and jewelry, that is 34.89%. And agar hum market cap ka study karenge to dekhenge major allocation is towards large cap, that stands at 44.40%, right? Now we will hop into the shareholding where you will get to see the total number of companies where this particular investor has parked his entire portfolio and along with the percentage, right? Key changes kya kya hai yahan pe, wo bhi aapko dekhne ko milenge. Previous, agar change hota hai, to previous quarter kitna tha, abhi current mein kitna hai and previous holding kitna tha and current holding kitna hai. And the arrows are here to show whether it's an uptick or a downtick. In here, most of the cases, there has been a downtick, that is reduction in stake. But again, aap kisi aur jagah pe kisi aur ka check karenge, you may see a uptick with, that will be depicted by a green arrow, right? Okay. So ye tha individual. Now, एक बार हम लोग institutional का check करते हैं. Say, suppose हम लोग देखते हैं Advent International, which is a global private equity and इसके holdings ज़्यादा नहीं है, but the two estimated holding stands at 11,567. So, आपको यहाँ पे फिर से allocation देखने को मिलेगा and changes आपको देखने को मिलेगा, right? So majorly कहाँ पे parked है इनके app जो the total amount where it is parked you can get to see here and the key changes again there has been a downtick. So let's see if I can get a right. Yeah, here we can key changes में see here it has been an uptick which is shown by a green arrow, right? Sudarshan Chemicals में इन लोग ने पहले
5.21% था इनम ग्रुप का, अभी दे हैव इंक्रीज्ड इट टू 8.10. ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो. नाउ लेट्स गो इन टू एज इनसाइट्स, एंड बिफोर दैट ओके फाइन, देर इज दिस क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट हाउ टू चेक इन स्टॉकेज इफ एनी पर्टिकुलर कंपनी बिलोंग्स टू लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप. सो सिंपली हम यहाँ पे से सपोज टाइप किए हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, फर्स्ट पेज में हम गए प्राइसेस के पेज में, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप के बाद कैटेगरी आता है जहां पे क्लियरली लिखा रहता है लार्ज स्मॉल या मिड कैप, राइट. फिर अगर हम फंडामेंटल पेज पे जाते हैं, अगेन कैटेगरी में हमें ये लार्ज शो करता है, मार्केट कैप भी शो कर इज देयर अलोंग विद एंटरप्राइज वैल्यू, राइट. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेक दी मार्केट कैप. एंड वन मोर फीचर आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट, से अगर आप सेक्टर गए, यहाँ ब्रिटानिया इज इन टू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड दैट इज FMCG, एंड अगर आप इसमें क्लिक किए, सो हियर ऑल्सो यू गेट टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल द FMCG कंपनीज विच आर रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैप, राइट. अगर अगेन आप इन सब टॉगल्स को यूज करके आप देख सकते हो, बट द अरेंजमेंट विल बी एज पर द मार्केट कैप. यार आपको नेट सेल्स का वैल्यू वगैरह मिल जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू एज इनसाइट्स. सो एज इनसाइट्स आर नथिंग, दीज गेट्स अपडेटेड द एंड ऑफ द एवरी डे, सो इट्स ऑन गेट्स अपडेटेड ईओडी बेसिस. सो व्हाट इज इट, कुछ भी हैपनिंग होता है बी इट टेक्निकल और फंडामेंटल, दिस गेट्स कैप्चर्ड इन द एज इनसाइट्स, राइट. सो हियर जैसे SBI में देयर हैज बीन समथिंग क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड, ल्यूपिन में USDA के रिलेटेड, सो व्हाट इज इट, लेट्स चेक. सो फर्स्ट वी गेट टू सी 24th June SBI क्रेडिट रेटिंग, एंड व्हाट इज इट, अगर हम इस एरो में क्लिक करेंगे तो वो हमें वो पर्टिकुलर एक्सचेंज फाइलिंग में लेके जाएगा, राइट. सी, सो यू गेट टू सी कि इकरा ने इंडिया रेटिंग्स ने इसके ऊपर कोई रेटिंग रिपोर्ट निकाला है, एंड दैट इज शोन हियर, राइट. नाउ आई गो बैक, एंड इफ आई क्लिक ऑन सिमिलर स्टॉक्स, देन इट विल गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल दी स्टॉक्स वेर क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड कुछ भी हुआ है. से सपोज सुनील हेल्थ केयर, अगर मैं PDF में क्लिक करूंगी, देन इट विल शो मी कि यहाँ पर उसके शॉर्ट टर्म को स्टेबल टू नेगेटिव का आउटलुक दिया गया है. एंड अगेन इफ आई क्लिक ऑन ऑल कंपनी फाइलिंग्स, तो मुझे वो एंटायर लिस्ट ऑफ फाइलिंग्स में लेके जाएगा, राइट. सो दिस इज अबाउट एज इनसाइट्स. अगेन हम लोग एक ल्यूपिन का एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ल्यूपिन में USFDA का कुछ आया है, एंड इफ आई क्लिक हियर इन दिस एरो, तो वो मुझे वो लेटेस्ट इस एक्सचेंज फाइलिंग पे लेके जाएगा, एंड आई गेट द डिटेल्स. एंड सिमिलर स्टॉक्स टॉक्स अबाउट ऑल द कंपनीज वेयर देयर हैज बीन समथिंग रिलेटेड टू USFDA रेगुलेटरी रिलेटेड कुछ भी हुआ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अंडर USFDA. सो दिस इज अबाउट एज इनसाइट्स. ऑल राइट, सो नाउ यहाँ पे हो गया है एज इनसाइट्स भी, लेट्स सी SME जोन. नाउ व्हाट इज SME जोन, सो SME जोन लिस्ट ऑल द SME स्टॉक्स, and SME stocks are, as the name suggests, small and medium sized enterprises. Why they are shown in a separate list? Well,
जब इनके आईपीओज आते हैं, द एसएमई स्टॉक्स आईपीओ इज लेस स्ट्रिंजेंट, इट हैज इट गोज थ्रू लेस स्क्रूटनी विच मेक्स इट अ लिटिल रिस्कियर कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स, नंबर वन. एंड टू लाइक प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, the NSE, the SEBI has put them on a separate platform, both on NSE and BSE. अगर हम जानना चाहें कि what is the difference between a like SME stock and other any other regular stock, so well, a SME stock come up with their financials not every quarter but on half yearly basis. That is number one. And number two, here in these stocks you can't buy one or sell one particular single stock, you have to do so in lot size, right? And the lot size has inverse proportion, inversely related to the price. Higher the price, lower is the lot size, and vice versa. Correct? Koi problem itna mein SME zone ko samajhne mein? Otherwise I'll repeat again. Okay, so jaise ki hum yahan pe इंसुलेशन एनर्जी चेक करेंगे और उसके अगर फंडामेंटल्स में हम जाएंगे रिजल्ट्स, तो हमें कोई डेटा नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज़ ये सारी कंपनीज हाफ ईयरली वाइज अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है. ठीक है, ओके, फाइन. आई रिपीट अगेन. एसएमई जोन, सो एक्सप्लोर के अंडर में आपको एसएमई जोन मिलेगा, विच टॉक्स अबाउट the SME stocks. Now SME stocks, it little riskier and has sometimes has liquidity issues compared to the other regular stocks, and to protect investors they have been listed under a separate heading, that is SME stocks. And iske IPO jab aate hain to inke listing process ya procedure bhi lenient hote hain compared to others, so problems ho sakte hain. And to protect the investors, it has been listed out as SME stocks. Now, what is the major difference? Number one, these companies come up with their financials not every quarter but half yearly basis. This is number one. Number two, आपको अगर इन stocks में sell buy या sell करना है, तो आप एक single sell stock नहीं कर सकते हो. You have to do so in lot. ठीक है, and the lot size is indirectly proportional to the price. Higher the price, lower is the lot size, and vice versa, right? Now comes the question ki aap kaise check karenge kaun se company ka lot size kitna hai, right? So se pehle main check kar lungi ye BSE mein. Pehle hum log BSE mein check karenge and fir hum log NSE mein check karte hain. Theek hai, so I'll go to BSE. इंसुलेशन एनर्जी. सो आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप में एम या कभी कभी एम टी लिखा होता है, दैट सजेस्ट दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज इन एसएमई जोन, राइट? व्हाट ग्रुप? इधर इट विल शो एम और एम टी. ठीक है, एम और टी, तो वो एसएमई जोन शो करता है. एंड अगर हम कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, विल गो अप. And here we get to see the lot size, that is 100. So for insulation energy, अगर आपको खरीदना है तो आपको 100 shares खरीदना होगा at one go, और अगर आपको बेचना भी है तो at one go आपको 100 shares ही बेचने पड़ेंगे, not less than that, right? और अगर हम ये NSE में check करेंगे, जैसे कि ये networks people services NSE में है, पहले आपको शो कर देगा एसएमई. लेट्स गेट इनटू इट. देखिए आपको यहाँ पे सीरीज में एसएम शो कर रहा है, विच सजेस्ट इट्स इन एसएमई जोन, राइट? एंड यहाँ पे आप देखिए अगेन इसका भी मार्केट लॉट 100 है, तो आप अगर नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 100 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, और अगर आप बेच भी रहे हो एट वन को आपको 100 शेयर्स बेचने पड़ेंगे, नॉट लेस देन दैट, राइट? नाउ बिफोर आई मूव टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, लेट्स सी कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे
या वेब से कैसे जा सकते हो और अपने क्वेरीज और रिकॉर्डिंग्स आप कहाँ से मिलेगा आपको, राइट? सो यू गेट टू सी दिस नाइन ब्लॉक्स हियर, सिंपली क्लिक ऑन दैट. द सेकेंड ऑप्शन इज स्टॉक इट सोशल. आप यहाँ पे जाओ एंड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट टू सी अ सीरीज ऑफ क्लब्स. नाउ द फर्स्ट टू टॉक्स अबाउट स्टॉक आइडियाज. वन इज द इन्वेस्टमेंट आइडिया, इन्वेस्टिंग आइडियाज, एंड द सेकेंड इज ट्रेडिंग आइडियाज. सो इन्वेस्टिंग एज द नेम सजेस्ट, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, एंड ट्रेडिंग इट्स फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज. देन यू गेट टू सी फंडामेंटल क्लब, टेक्निकल क्लब, एफएनओ क्लब, कमोडिटी करेंसी, म्यूचुअल फंड. सो आपको कोई भी क्वेरीज हो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट? सो आई फोकस ऑन फंडामेंटल क्लब. से सपोज आपको जानना है एंड यू फर्स्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट डिस्कशन एंड हियर सेज आई टाइप व्यू ऑन एंड हाउ टू पोस्ट योर क्वेरी. सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट दैट. सो फर्स्टली यू विल राइट व्यू ऑन एंड देन आप अपना क्वेरी जो कंपनी नेम है उसको टैग करेंगे, या सेक्टर का नेम भी है तो उसको टैग करेंगे. जैसे आप डॉलर टैग देंगे एंड देन यू विल से ब्रिटानिया. द मोमेंट यू राइट ब्रिटानिया यू गेट अ ड्रॉप डाउन बॉक्स और आप उस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे हाईलाइट हो जाएगा. सो दिस व्हाट हैपेंस इज बिकम्स इजी फॉर द एनालिस्ट टू नो योर लोकेट योर क्वेरी, नंबर वन. एंड नंबर टू क्या होता है, इसे थ्रेड हो जाता है. नेक्स्ट टाइम अगर आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज टाइप करेंगे तो आपको सारे ब्रिटानिया रिलेटेड क्वेरीज या उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. नाउ दिस वॉज कंपनी स्पेसिफिक. अगर मुझे पूछना है सेक्टर स्पेसिफिक, व्यू ऑन अगेन डॉलर टैगिंग. एंड माइंड यू प्लीज डोंट पुट एनी स्पेस. अगर आप स्पेस दोगे तो वो नहीं आएगा. जैसे कि देखिए मैंने स्पेस दिया और फास्ट मूविंग कर रही हूं तो नहीं आ रहा है. वही मैं अपना स्पेस घटा दी यहाँ पे एंड आई एम राइटिंग फास्ट मूविंग. देखिए एफएमसीजी सेक्टर का आ गया. सो एंड देन पोस्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन पोस्ट योर क्वेरी, लाइक बी इट इन फंडामेंटल और इन टेक्निकल, राइट? नाउ द क्वेश्चन वॉज ऑन आज का रिकॉर्डिंग कहाँ से देखें. सो उसके लिए आप ये ऊपर में जो सर्च बार है वहां जाएंगे, वहां पे टाइप करेंगे लर्न स्टॉकेज. लर्न पहले आ गया स्टॉकेज लर्न, एड टू सर्च. उसके बाद हम लोग करेंगे रिकॉर्डिंग, अगेन एड टू सर्च एंड सर्च. देखिए आपको जितने भी रिलेट ये रिकॉर्डिंग्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट? आई सी देयर सर वेदर इट्स अवेलेबल टू प्रीमियम मेंबर्स, द सपोर्ट टीम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट. आप यहाँ पे जाएंगे प्लान्स, प्राइसिंग एंड प्लान्स, ठीक है, ईयरली. एंड यू गेट टू सी व्हाट ऑल यू गेट अंडर द प्रीमियम प्रो एंड क्लब, कि इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल है, राइट? ओके सो दिस वॉज अबाउट पोस्टिंग योर क्वेरीज एंड गेटिंग दी वेयर टू गेट यू दी रिकॉर्डिंग्स. नाउ हम लोग समझेंगे थोड़े बहुत फीचर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड. नाउ द फर्स्ट म्यूचुअल फंड में हम जाके द फर्स्ट थिंग इज वी लिस्ट आउट दी ऑल द एएमसीज दैट आर देयर एंड उस विद इट्स स्कीम्स एंड द एयूएम दैट इज इट्स हैंडलिंग. तो सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसके टोटल एयूएम कितना है और उसके स्कीम्स कितने हैं, राइट? सो हियर वी गेट टू सी की एसबीआई, विल गो इन टू इट. ऊपर में आपको टॉगल मिलेगा एक्विटी डेट हाइब्रिड अदर. सो हियर पहला है एसबीआई पीएसयू फंड, विल स्टिक टू एक्विटी फॉर द टाइम बी. एयूएम इसका 3,000 करोड़ है, नैव है, एंड यहाँ पे आप नैव का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, राइट? सो हम पहले पीएसयू में जाएंगे, इसका नैव का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं.
परफॉर्मेंस इसका कैसा रहा है ओवर 5 ईयर पीरियड, यहाँ से हम देख सकते हैं. नाउ वी कम टू दी होल्डिंग्स. नाउ दिस इज दी समरी होल्डिंग की टोटल जितना भी इसका एलोकेशन है वो डोमेस्टिक एक्विटीज और लिक्विड में कितना है, उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ से मिल रहा है. एंड देन दी डोमेस्टिक एक्विटी, तो डोमेस्टिक एक्विटी में इसका क्या है. सो वी कैन सी लार्ज कैप स्टेट बैंक में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, दैट इज 10.5%. एंड इट ऑल्सो शोज दी चेंजेस. देन हाउ दी एयूएम हैज फेयर जून 2023 से मई 2024 तक, एयूएम कैसा परफॉर्म किया है, कैसे मूव किया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा. सो लास्ट ईयर इट वॉज 562, दिस हैज गॉन अप टू 3071 करोड़. एंड हु इज मैनेजिंग दिस फंड, दैट इज रोहित सिंपी. एंड यू ऑल्सो गेट टू सी इफ यू क्लिक ऑन दैट वॉट ऑल अदर लाइक फंड्स ही इज मैनेजिंग दैट आर देयर अंडर हिम, राइट. सो दिस वॉज अबाउट दी एएमसी. नाउ इट्स अबाउट दी क्लासेस. क्लासेस में क्या है, अगर से सपोज मुझे इक्विटी रिलेटेड ही ओनली इन्वेस्ट करना है तो देर इज लार्ज कैप सेग्रीगेशन क्या है, मल्टी कैप ईटीएफ्स है, इंडेक्स फंड्स है, दिस ऑन इक्विटी बेसिस. सिमिलरली डेट रिलेटेड है, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, फिर ईटीएफ डेट रिलेटेड ईटीएफ्स है, फिर लिक्विड फंड्स है, ठीक है, एंड देन हाइब्रिड और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. सो ऐसे आप कैटेगरी वाइज क्लासेस वाइज भी अपने रिलेटेड फंड्स चेक कर सकते हैं. नाउ द एनएफओ, एनएफओ इज नथिंग, द न्यू फंड ऑफरिंग्स. सो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं व्हाट इज द अपकमिंग वन, ऑन गोइंग कौन सा है, एंड रिसेंट में कौन कौन सा आया हुआ है, एंड उसका कैसे क्या रिटर्न है. एज वी हैव शोन यू लाइक the themes under the equity segment. Similarly, we have themes for the MFs. Say suppose अगर मुझे international funds में invest करना है, so we can go here and we talk about the various schemes that are there under this particular theme and उसका NAV का performance कैसा है, we can check it from here, right? So this was about the mutual fund. एनएफओ इज नथिंग, न्यू फंड ऑफरिंग. सिमिलरली लाइक जस्ट लाइक आईपीओ, अगर कोई नया फंड लॉन्च होता है तो वो दैट गेट्स टर्म्ड एज न्यू फंड ऑफरिंग. एंड इफ यू वॉन्ट टू सर्च एनी पर्टिकुलर स्कीम यू कैन टाइप इट इन दी सर्च बार ऑफ द म्यूचुअल फंड सेगमेंट, राइट. सो ओके, आई जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड और सो इफ देर एनी क्वेश्चन और नॉट, अदरवाइज आई रैप इट फॉर टूडेज. I'll wrap today's session. I'll just wait for a second or so. NFO, as I said, is nothing. It's just like new, the name suggests new fund offering. कोई भी नया fund जब float होता है वो new fund offering के under जो आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एडलवाइस का कुछ न्यू अपकमिंग है, ऑन गोइंग अभी क्या कौन कौन से, एंड रिसेंट में कौन कौन से फ्लोट हुए हैं, राइट. सो प्लीज इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड प्लीज पुट फॉरवर्ड योर क्वेरीज इन दी सोशल प्लेटफॉर्म. ऑलराइट. ओके, सो thank you everyone, hope you have enjoyed today's session. And like if there are any more queries related to mutual fund or equities, please feel free to post it on the social platform. We'll be there to guide you and help you. Thank you and good night.